स्वर्गीय रविंद्र सिंह की स्मृति में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव का उद्घाटन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तथा कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया, जिसके संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तथा कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किया गया, परंतु फिर भी देश की 70% आबादी पूर्ण स्वस्थ नहीं है, जिसका मुख्य कारण देश की अधिकांश आबादी आने जाने के लिए वाहन का प्रयोग तो करती है परंतु स्वस्थ रहने के लिए घर में अभ्यास हेतु खेल उपकरण नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इस खेल में छोटे युवा खिलाड़ियों को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि गोंडा में आयोजित की जा रही बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को सम्मिलित करने की अनुमति दी जाएगी तथा इस तरह खेल महोत्सव हर जगह होना चाहिए। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक शीतल पांडे, पूर्व विधायक राजमणि पांडे, विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय सचिव आदित्य प्रताप सिंह, रणविजय शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तथा कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अतिथि महोदय का स्वागत करें बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर, जिन्होंने कुश्ती को निरंतर ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। 66 वर्ष के युवा में है इस खेल महोत्सव को आगे। विनय सिंह पहलवान जी, सत्युन राय जी, जनार्दन सिंह पहलवान जी, सहायक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह, कृपया उमेश महादेव और भाषण नितेश लोना, सर बस 2 मिनट हमें समय दें और उसके बाद ये कुश्ती शुरू कराएं। देखिए मंच पे जितने लोग हैं प्लीज वे सभी से अनुरोध है कृपया आगे बैठ जाएं। गोरखपुर के गौरव बढ़ाने की बात हो तो स्वर्गीय अंगद सिंह को हम, इंजीनियर शवर सिंह पुष्पगुच्छ देकर सांसद जी का स्वागत करो। और आप सभी हमारे बीच में नगर विधायक डॉक्टर राधा बैज लगाकर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी का स्वागत करें। सुंदर एक हरी निकाल करके और इस तरह से टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर बहुत अच्छी कुश्ती चल रही है। सुंदर, बहुत सुंदर, क्या डबल पर ये सुंदर। हार जीत कुछ भी हो राय साहब, लेकिन खूब लग रहा है, बहुत सुंदर। गिंदगी में पहली बार यहाँ में और इस तरह से ये किसी आगंतुक का मोबाइल प्रांगण में गिरा था, वे मंच पर आकर ले लें। किसी आगंतुक का मोबाइल प्रांगण में गिरा मिला है, वे मंच पर आकर अपना मोबाइल ले लें।
ऐसे आयोजन लगातार होना चाहिए और इस आयोजन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व खेल महोत्सव आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था, उसमें भी खेल रखा गया था, लेकिन अलग एक खेल महोत्सव के रूप में ये जो मनाया जा रहा है, जिसमें 8 या 10 गेम सम्मिलित किए गए हैं और इसमें प्राथमिकता जो दी गई है वो छोटे बच्चों को दी गई है, और इसलिए इसकी जितनी भी सराहना किया जाए वो कम है। ऐसे प्रयास लगातार होते रहना चाहिए।